पावन गंगा के तट पे बसी महादेव की नगरी ऋषिकेश। चाहे सालों पुराना बना हुआ लक्ष्मण झूला हो या अभी बना हुआ जानकी सेतु, दोनों ही ऋषिकेश के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष पीने के बाद महादेव ने यहीं आके काफी समय तक मेडिटेशन किया था, और आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ पे मेडिटेशन, योगा और मन की शांति के लिए आते हैं। वैसे तो ये ऋषिकेश की मेरी पहली यात्रा नहीं है, लेकिन इस यात्रा में मैं आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए मेरी इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को पूरे फील के साथ जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा नाम हिमांशु और मैं आपकी की तरह एक ट्रैवलर हूँ जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है, और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ऋषिकेश। और ऋषिकेश में हम लोग ये अलग एक्सपीरियंस आपको होने वाला है, बिकॉज हम लोग ऋषिकेश ही नहीं बल्कि वहाँ पे एक आश्रम में स्टे करेंगे, और वहाँ पे एक प्रोग्राम है जो हम ज्वाइन करेंगे। अगर वेदर ने साथ दिया तो ट्रैकिंग और वहाँ पे लोकल एक्सप्लोर भी हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आप जो मेरे पीछे नहर देख रहे हैं, ये नहर चीला डैम के लिए जा रही है। ये चीला डैम वाला, ये एक्चुअली चीला रेंज है पूरी, यहाँ पे जो जंगल है चीला रेंज बोलते हैं इसे, और ये डैम जा रही है। यहाँ पे तीन मशीनें चलती हैं, यहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है। सो गाइस, तकरीबन 4 घंटे में पहुंच गया हूँ ऋषिकेश, और ये मैं आ गया हूँ श्री वेद निकेतन धाम में, और यहाँ गाड़ी भी पार्क लगा दी है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का। कुछ लोग जो है, जो ग्रुप है वो दिल्ली से आ रहा है, तो वो लोग भी आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि 3 दिन का हम लोग कोर्स करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, तो इसमें सारी कोर्स की डिटेल्स है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे रूम्स वगैरह एलोकेट हो जाएंगे। सो गाइस, रिसेप्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक आई कार्ड सा मिल जाता है और आपको रूम एलोकेट हो जाता है, चाबी मिल जाती है। और चाबी जो है, अगर आपका शेयरिंग रूम है तो चाबी एक ही मिलती है। तो अभी चलते हैं रूम के अंदर, देखते हैं किस तरह का है, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, पूरा आश्रम ढूंढ लिया, मैं पीछे चले गया था एक्चुअली, लेकिन हमारा रूम जो है वो आगे की साइड है, बिल्कुल फर्स्ट बालकनी की साइड है। यहाँ से गंगा जी काफ़ी साफ दिख रही है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको शाम को, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो भाई, ये है ट्रिपल शेयरिंग रूम आश्रम में, सीधा साधा उसका एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस ये वॉशरूम है, वॉशरूम की भी लाइट। सो गाइस, फिलहाल अभी दोस्त लोग सारे लोग आ गए हैं, तो अभी लंच करने के लिए जा रहे हैं सीधे। बहुत लेट हो गया, मैं थोड़ा सो गया था थोड़ी देर, सुबह जल्दी उठ गया था ना बिकॉज, तो चलो अभी लंच कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे का प्रोग्राम चालू करते हैं। ये बाकी के रूम है इधर सारे, पूरा इधर रहने की व्यवस्था है, अलग अलग रूम्स लगे हुए हैं। इधर है किचन, इधर से आगे सारा। यार वैसे तो आश्रम में स्टे मेरा फर्स्ट टाइम था, बट जब भी आप आश्रम में रहते हो तो आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको अपने खाए के बर्तन खुद मलने पड़ते हैं, और आप चाहो तो और भी सेवा आश्रम में दे सकते हो। तो यार, इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हो गया था, और हम लोगों ने शुरू में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करी। यार शुरू में तो मैं एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट कर लिया। और इसके बाद हमको योग निद्रा कराई गई और फिर सुदर्शन क्रिया कराई गई, जो कि एक बहुत ही सुंदर अपने आप में एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम अंकित है, आई बिलोंग टू यू संग छत्वम। हाय, मेरा नाम हिमांशु है और आई बिलोंग टू यू संग छत्वम। मेरा नाम राहुल है, मैं आपके साथ हूँ संगम छत्वम। तो आपने देखा है, thank you.
ब्रदर ने साथ दिया तो आज हम यहाँ से घूमने भी जाएंगे थोड़ा। अंकित जी कहाँ घूमने वाले हैं आज हम? वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा